तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों बहुत लोग यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जनधन की पहली किस्त तो आ गई थी समय से, दूसरी किस्त कब आने वाली है। पूरा डिटेल से बात करेंगे आज यहाँ पे 4 मई और पूरा डिटेल से जानेंगे कैसे कैसे क्या है। दोस्तों जैसे आप लोग को पता है कि भारत जब लॉकडाउन हुआ तो यहाँ पे राहत भरी योजनाएं, यहाँ पे भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी ने बहुत सारी राहत योजनाएं चलाई थी। उसमें एक योजना था जनधन योजना। तो जनधन खाता धारक जितने थे उन लोगों को यहाँ पे 500 रुपये देने का 3 महीने के लिए ऐलान किया गया था, जो वित्त मंत्री जी के द्वारा किया गया था। तो पैसा आया भी, पहली किस्त आ भी गई सब लोगों की, तो इंतजार करें कि दूसरी किस्त कब आएगी। और दोस्तों कुछ लोगों की पहली किस्त नहीं आई उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे कैसे क्या है। आज इसका कुछ रूल रेगुलेशन जो है उसके बारे में तो पहले जान लें। तो रूल रेगुलेशन ये है दोस्तों कि जिन महिला, ठीक है, महिला खाता धारक के खाते में ही 500 रुपये आ रहे हैं, यानी पुरुष लोग तो इससे बिल्कुल टेंशन छोड़ दें कि उनके खाते में आएगा, केवल यहाँ महिलाओं के खाते में आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि केवल महिलाओं के खाते में आएगा, पुरुष लोग वेट ना करें। तो यहाँ पे महिलाओं का जो भी जनधन जिनका खाता है में आ रहा है, ठीक है। आइए जान लेते हैं कि अगली किस्त के लिए क्या प्लानिंग है, कैसे कैसे क्या, फिर डिटेल से बात करेंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं इसी तरह की बिना ही वीडियो लेकर आता रहता हूं और आप लोगों को समय समय से बताता रहता हूं। तो आइए पूरे एंड पर डिटेल से देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं साफ साफ यहां पर कुछ खबर है। खबर ये है कि यहां पर देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ नियम वगैरह हैं, जैसे महिला जनधन खातों के अतिरिक्त के अंतरित होगी 500 रुपये की धनराशि अगले 3 माह तक, इस तरह से कुछ था। और जिन खातों के मतलब डिटेल्स यहाँ पे दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खाताधारकों के लिए 500 रुपये आने का 3 महीना देने के लिए वादा किए थे, लेकिन इसमें शर्त था कि जनधन खाताधारक एक महिला होनी चाहिए। यदि आपके घर में ऐसा जनधन खाता है तो आपको 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच में 500 रुपये भेज दिए जाएंगे। यह 500 आपके खाते की लास्ट अंक के हिसाब से आएगा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं लास्ट अंक के हिसाब से, जैसे पिछली बार आया था उसी तरह से यहाँ पे आने वाला है, पूरा डिटेल से जान लेते हैं। तो 3 मई से 9 मई के बीच में पैसा भेजा जा रहा है। आइए देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। तो जिनके खाता का अंतिम डिजिट यानी लास्ट डिजिट 0 से 1 के बीच में है तो उनका 3 मई 2020 तक पैसा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे पिछली बार जो अनुमान लगाया गया था, मतलब उसी अनुमान पर चल रहे हैं कि जैसे पिछला जो था जिनका लास्ट का 0 और 1 था उनका 3 से 4 के बीच में आ गया था, और जिनका लास्ट डिजिट 2 और 3 रहेगा खाते का उनका 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में आ जाएगा, ठीक है, 4 से 6 में। जिनका खाता का अंक 4 और 5 लास्ट में है उनका 7 से 9 के बीच में आएगा, और जिनके खाते का अंक 6 और 7 है लास्ट का उनका 8 से 9 के बीच में आएगा, ठीक है। और जिनका खाता अंक लास्ट का 8 और 9 है उनका 9 से 11 के बीच में आएगा। इस तरह से पिछली बार आया था तो उसी अनुमान पर वीडियो मैंने बनाया आपको कुछ इस तरह से। वेट करिए, आपका पैसा जरूर आएगा। और दोस्तों जिन लोगों का नहीं आया था, कुछ लोगों का जनधन खाते में पैसा नहीं आया था, तो उन लोगों का ये था जैसे मान लीजिए अकाउंट खोल लिए, ओपन करवा लिए, उसके बाद कोई भुगतान वगैरह नहीं किए थे, जैसे ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं किए थे, तब भी कुछ लोगों का पैसा आया था। लेकिन आप अपना KYC वगैरह कंप्लीट रखिए, जैसे आधार वगैरह बैंक से लिंक रखे रहेंगे तो आपको पैसा आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब अपडेट आप रखेंगे तभी आपका पैसा मिल पाएगा जनधन का। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।